नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जिला नर्मदापुरम तहसील सिवनी मालवा विधानसभा 136 में पूर्व पार्षद सुरेश उइके नेवी चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, सुरेश उइके ने पत्रकारों से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि इस बार सिवनी मालवा विधानसभा 136 से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है एवं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सुरेश उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, वहीं एवं गाँव में कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं एवं इस बार सुरेश उइके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेश उइके ने कहा कि अपने उद्देश्यों को बताते हुए गौरक्षा के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए एवं गौशाला बनाई जाएगी तथा नल जल की समस्या भी दूर की जाएगी एवं बिजली की समस्या को भी दूर किया जाएगा। किसान एवं ग्रामीणों के लिए भी सुरेश उइके के द्वारा महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि नए मुद्दों को लेकर पत्रकारों के सामने बताया गया एवं निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। को लेके आपके द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है या किस तरह आप देखते हैं चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव ये है कि आपने देखा होगा कि गाँव गाँव हम जाते हैं घूमने भी तो बहुत असंतुष्ट है लोग, क्योंकि विकल्प नहीं मिल पा रहा है और हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कारण नहीं हुआ है, इसलिए इसको देख के हम निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा रखी है। किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी? तैयारी अब हम तैयारी ये है कि हम गांव-गांव में हमारे लोग काम में लग गए हैं और उनको बता भी दिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो सबका सहयोग और समर्थन है। आपके लिए सहयोग के लिए कोई दल या संगठन है साथ में? नहीं, जो करना चाहे ठीक है, नहीं तो हम स्वतंत्र तो लड़ ही रहे हैं। क्या क्या उद्देश्य है आपके, मतलब क्या क्या आम जन को क्या क्या सुविधा देंगे, क्या क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी के? हम सबसे पहली बात तो पूरे शहर के लोग गौ माता के इसलिए लड़ रहे हैं। हमारे नरेंद्र भाई कई बार बात उठाते हैं, गौशाला इतनी भी अधूरी रही है, हम बने तो गौशाला सबसे पहले प्राथमिकता से बनाएंगे। स्वास्थ्य और पानी बिजली इसको लेकर लड़ रहे हैं। सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।